तो स्वागत है आज आपका एक नए वीडियो में। और आज हमने सोचा कि क्यों ना इस कॉलेज का थोड़ा निरीक्षण कर लिया जाए, थोड़ा देखा जाए कि यहाँ कैसी बिल्डिंग्स हैं, क्या काम चल रहा है। यहाँ हमने सुना था कि कुछ नया बजट पास हुआ है, सोलर कुछ पैनल्स लग रहे हैं। हम देखेंगे थोड़ा सा और देख सकते हैं आप यहाँ पे ये पैर मुड़ जाता है। अभी ये साला किसने रोड बनाया, ऐसे लोंडो को हमें ढूंढना पड़ेगा। ये क्या काम कर रहे हैं कैमरामैन, ये देखिए इन सालों के काम, यहाँ सरिये ठोके हैं इन्होंने, पता नहीं क्या हो रहा है इस कॉलेज में। जब भी हम इस कॉलेज में आए कुछ गलत हो जाता है, हर बार बच्चे तकलीफ में हैं, फैकल्टी तकलीफ में है, जिन लोगों से मिले गांव वाले तकलीफ में आ चुके हैं, कुछ भी हो रहा है इस कॉलेज में। तो आइए यहाँ कुछ दो लोग हमें दिख रहे हैं, ये कुछ देखिए कुछ इंटेलिजेंट काम कर रहे हैं दोनों। देखिए कुछ बात कर रहे, लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो आइए हम इनसे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। अरे ये कुछ मैप खोल के बैठे, लग रहा है कुछ बड़े लोग हैं। तो जी आप पहले हमें अपना नाम बताइए। हमारा नाम निशांक है और हम इस रोड के लिए इंजीनियर का काम करते हैं। अच्छा, तो आप इंजीनियर हैं, मतलब आप एई साहब हैं क्या इस रोड के लिए? एई साहब हैं आप? अरे ये बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी जॉब वाले हैं। दूसरे इनको कुछ नक्शा दिखा रहे थे, पूछते हैं कि ये कौन है। जी नमस्कार, मेरा नाम शुभम टिचकुले है, टिचकुले एंड टिचकुले कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक। टिचकुले एंड टिचकुले, ये साला कल ही रात को खट्टा मीठा की मूवी देखी। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि आप ठेकेदार हैं इस कॉलेज के? जी, इस कॉलेज का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो हमारी कंपनी की। अरे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी आप, देखिए ये कितनी बढ़िया बिल्डिंग बनाई है आपने, प्लेसमेंट का तो आपको क्या बताएं। ये रोडे देखिए आप, कितनी जानदार रोडे बनाई है। मेरे को अपना साइकिल साला वहाँ ऊपर गौचर में पार्क करके आना पड़ा। आप लोग यहाँ किस कौन सी गाड़ी में आए, मुझे आपकी कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है आसपास। जी हम बड़े ही डाउन टू अर्थ लोग हैं तो हम पैदल चलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, इस रोडों में आप पैदल ही चल सकते हैं। इस रोड में साला मेरा साइकिल 3 बार गिर गया। ये कैमरा में यहाँ दिखाइए जरा। और आप जी सुनिए जी, आपने मतलब ये जो रोड थी, आपने ही तो शायद बिल पास किया होगा इस रोड का, और आपने निरीक्षण भी किया होगा इस रोड का। तो एक मिनट यहाँ को आइए और जरा ये रोड को आप एक बार चेक करके बताइए कि क्या रोड है ये, कौन ऐसी रोड है, तो पिक्चरों में भी नहीं होती है अब। तो आप हमें बताइए, जैसे कि आप अगर जेई साहब हैं तो आपने इस रोड का कुछ निरीक्षण किया होगा यहाँ ये बिल पास करने से पहले? जी किया था जी। एक बार इस रोड का आप मेरे सामने निरीक्षण करके बताइए क्या रोड है ये साला पत्थर, ये रोडें होती है, ये कौन सा पत्थर है वो मुझे बताएं ना। इसमें डामर है इस रोड में, ना इस रोड में साला कंकड़ है, 10 बार हमारे जूतों में कंकड़ चले गया। जी बताइए। इसका काम इंजीनियर साहब ने कराया था, इनसे पूछिए। अच्छा, तो ये ठेकेदार ने ये आपसे काम करवाया? तो जी ठेकेदार जी आप बताएं। आप देखेंगे तो इस रोड में सब चीजें हैं, सबसे ऊपर देखिए ये डामर है ये। अच्छा, ये काला कलर डामर का। अच्छा, ये है डामर, आप देख सकते हैं 1 करोड़ रुपए का डामर है ये डामर है। यहाँ काफी भारी भारी गाड़ियाँ, भारी भरकम गाड़ियाँ चलती हैं, इस चक्कर से रोड को टाइम टू टाइम मरम्मत की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसका मतलब ये साला कोई इन्होंने मिल फैक्ट्री बना रखी है, कॉलेज नहीं चल रहा है, रोज ट्रकें जा रहे हैं। ये ट्रकों की रोड थी जो आपने ऐसी रोड बनाई कि ये डामर अलग हो गया, पत्थर अलग हो गया। और पत्थर क्यों है इस रोड में मुझे ये बताएं, नीचे से पत्थर निकलने लग गए हैं, कोई परत ही नहीं है डामर की जमीन में, ताकि जमीन हिले नहीं और पानी बारिश की वजह से जमीन बहे ना, इसलिए हम पहले एक इस साइज के पत्थर डालते हैं, उसके बाद छोटी रोड़ी डालते हैं, उसके बाद डामर होता है। तो आप देखेंगे कि तो आपको पतली पतली परतें दिखेंगी। अच्छा, तो मतलब आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपका जवाब हमें समझ में नहीं आया, इतना समझ में आ रहा होता तो रिपोर्टर नहीं, हम भी ठेकेदार होते ऐसे घपले कर रहे होते। तो जी आप दोनों मुझे ये बताइए, आपको बजट कितना दिया गया था इस पूरे कैंपस को बनाने के लिए? जी देखिए, बजट अथॉरिटीज से पास हुआ था और उसकी जानकारी हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। जी कुछ एस्टीमेट तो बता सकते हैं कि हम थोड़ा अंदाजा लगा सकें, क्योंकि ये हालत जो इस कॉलेज की, हमें लग नहीं रहा कि कम से कम भी ये 1.5-2 लाख रुपए भी लगे हैं इस कॉलेज में। जी दरअसल इस कॉलेज का बजट 10 लाख रुपए था। 10 लाख रुपए था इस कॉलेज का बजट, जिसमें से साला 7 लाख की आपने गाड़ी खरीदी, बाकी 3 लाख की आपने ये रोड बना दी, ये बिल्डिंग्स बना दिए, ये था आपका काम। माफ कीजिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं मेरी गाड़ी 12 लाख की है। अच्छा, तो देखिए साले को 12 लाख की गाड़ी ले ली है, 10 लाख का बजट था, कहाँ से आई ये 12 लाख की गाड़ी, ये बताएं। ऐसा घपला कहीं आप हर गवर्नमेंट कॉलेज में तो नहीं कर रहे हैं उत्तराखंड के? सॉरी, नो कमेंट्स।
देख सकते हैं इसने नो कमेंट्स कह दिया है, तो अब हमें इनके पास जाना पड़ेगा। ये भी हमारे एई साहब हैं जी। आप बड़े शांत बैठ गए जब बजट की बात हुई जी। आप अपना बजट बताएं, इन्होंने आपको कितना बजट पेश किया था? बजट कम से कम 11 लाख का था। कम से कम 11 लाख का बजट था, और गाड़ी दोनों के पास, सालों के पास क्रेटा है, 12 लाख की गाड़ी है सालों के पास जी। क्यों कट करें ये दोनों? देख सकते हैं कैमरा मैन डर चुके हैं, इन्हें पता है अगर हम थोड़ा देर और कैमरे में रहेंगे तो इनका मुंह खुल जाएगा। आप इधर की तरफ आ सकते हैं कैमरा, ये भाग रहे हैं। रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं सालों? आपकी गाड़ियाँ तो वहाँ हमारी मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर। आइए छाया में आइए, आपको कहीं धूप लग जाएगी, फिर आपको सनरूफ खोलनी पड़ेगी अपनी गाड़ी जी। आप देख सकते हैं ये है ठेकेदार और ये है एई साहब। एक चीज़ बताइए ठेकेदार साहब, जब आपको बजट 10 लाख रुपये मिला था, कैमरामैन यहाँ की तरफ आइए, ये साला आपने ये शावरों में लाइट नहीं है, आपके बाथरूमों में, कैमरामैन यहाँ दिखाइए, बाथरूमों में आपके नीचे पाइप नहीं है, टॉयलेट करने से पहले नीचे देखना पड़ता है कि पैरों में छींटे ना आए। ये साली रोड है, कभी भी कॉलेज जाओ साला जूतों में पत्थर निकालने पड़ते हैं क्लास में घुसने से पहले। ये क्या चीज़ें हैं? शीशे नहीं है आपके बाथरूमों में, खिड़कियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, हॉस्टलों में दरवाजे नहीं है, क्या हो रहा है जी? देखिए बजट कम था इस और काम ज़्यादा था, तो हमें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे और आपको पता चल भी रहा होगा कि कॉस्ट कटिंग कई जगहों पे करी गई है और भारी भरकम रूप से करी गई है। नहीं नहीं जी, वो हमें पता है जिस कदर आपने कटिंग करी, बिल्कुल बिल्डिंग ही कट कर दी, ब्रांच ही हटा दी आपने, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कॉलेज को, ना रोडें बनाई जा रही है, ना आप कुछ कर रहे हैं। ये कैमरा में ये सालों ने अभी इन पे जी। एक बात और करनी थी हमें, आपका भी पता चला कि आप पे कुछ सोलर पैनल वाला कुछ बजट आया है, तो कितना आया था अभी आपके पास बजट? जी वो बजट थोड़ा कम था। हाँ जी, कितना फिर भी कम बताएं? वो 10 लाइटें लगाने का बजट था जी, जी। 15,000 रुपये का। 15,000 में 10 लाइटें, देख सकते हैं आप, सिर्फ यही शख्स लगा सकता है। इसने 15,000 के बजट में साले ने 15 टावर भी ठोक दिए, लाइटें भी ठोक दी, उसको बिजली भी मिल रही है, सोलर पैनल 15,000 में कौन से सोलर पैनल आ रहे हैं जी, आप हमें बताएं जी। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण थर्माकोल वाले सोलर पैनल लग रहे हैं। थर्माकोल वाले? मैं परसों एक दरवाजे में हाथ मारा, सारा दरवाजा ही थर्माकोल का निकला, ये काम करवा रहे हैं। और एई साहब बिल्कुल चुप हो गए। एई साहब ही बताएं, आपने इनके बिल में साइन कैसे किया? ऐसा क्या आपको कितनी घूस आपने खाई? आप सच बता सकते हैं? हम ये फुटेज कहीं नहीं डालेंगे, इतना घूस दिया था इसने आपको? सॉरी नो कमेंट। ये देखिए ये सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, नोट हैं इन सालों के, मुझे चश्मा देखिए इन्होंने बिल्कुल जॉन जेकब्स का चश्मा पहना हुआ, ये न्यूरेनो की शर्ट पहन के आए हैं, चमकती हुई बातचीत कर रहे थे, मैप दिखा रहे थे। एक चीज़ बताइए, आप इनको कुछ मैप दिखा रहे थे, किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जी? वो रोड का काम फिर से चालू होगा इसको। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी आपकी, कि आप दोबारा रोड का काम कर सकते हैं। और कैमरामैन दो लड़कियां आ रही हैं, ये साले भी रनवे निकले, उधर को देख रहे थे, मैंने स्पॉट कर लिया सालों को। कैमरामैन यहाँ, ये भी रनवे हैं, ये दोनों ठेकेदार और यही तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि नोटों ने इनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन ठेकेदार जी आप दिखा सकते हैं कितने डच के आए हुए हैं, कितने कॉन्फिडेंट खड़े हैं, जिसे कुछ घपला ही नहीं किया होगा। 12 लाख की गाड़ी खरीद दी है इसने, ये रोड बना के। ये अभी काम शुरू कब करेंगे? काम जल्दी ही शुरू होगा जी। कब जल्दी आएगा? जब हम साले आपको पता चल जाएगा वो उस साइड में आ जाएगा जो कभी चलती नहीं है, जो पिछले साल से अपडेट नहीं हुई अभी तक। अब वो पिछले साल से अपडेट नहीं हुई तो अभी कैसे अपडेट हो सकती है? तो देखा आपने, ये ठेकेदार और आज हमें यही मिल गए थे कैमरामैन, इनको हमने आज पकड़ लिया। ये अगली बार जब हमें मिलेंगे, इन सालों को हम छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों ने इतना घपला कर दिया है। 15,000 में ये लोग 10 लाइट ले आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी की लाइटें हैं जो चलती ही नहीं है। पोल देखिए यहाँ, ये कैमरा इस तरफ दिखाएं, बाड़ दिखाएं, बाड़ों में तार ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है इस कॉलेज में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, जुड़ के रहिए, हम स्टिंग ऑपरेशन करते रहेंगे, बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे, फैकल्टी से बातचीत करेंगे, जो भी आपकी परेशानियां कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके रखिए, कमेंट में दिल भेजिए, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। बाय।